Hello students, good morning. So in previous class we have discussed about the laws of motion and friction. Okay, so in the recent class we will start thermodynamics, that is the second part of your physics chapter, that is thermodynamics. Okay, so before going to thermodynamics, we know there is a relation of heat and work. So when we study heat, we find there is a transfer of heat from one body to another body if there is a temperature difference. जदि गोटे बॉडी भितर टेम्परेचर डिफरेंस अच्छी ताहले से हीट ट्रांसफर पॉसिबिलिटीज आसीब, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर बा लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर. ओके, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर हीट इज पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंट, जेटा आम रेफ्रिजरेटर देखुचे. ओके, सो इन दिस क्लास वी मेन डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ हीट विल प्रोड्यूस सम वर्क. Okay, and when we study the relation of heat and work, we mainly say it is thermodynamics. Okay, so we can say a thermodynamics gives a study of heat, temperature and conversion of heat into work and work into heat. देखो पहले छोटे में छोटिया क्वेश्चन टाक आम ऑब्जर्व करवा, मन कर दुईटा हैंड को जब आम किसी समय रब करवा, जब आम यप्र किसी समय रब करुचे दुईटा हैंड को, देखो किसी समय पर तुम हैंडटा कौन हो ना किसी वार्मथ फिल करुच्च टेम्परेचर हैंड रईज होट हो जाए. ओके, जो हिटटा आसला क्या देख पे जो आम हैंड को रब करुचे तो मैंने दुईटा हैंड पर किसी वर्क डन आसला, जो वर्क डन कि मोर कौन फॉर्मेशन होची ना किसी हीट एनर्जी फॉर्मेशन होची, तो मैंने वर्क कले हीट आसुची. ओके, सो दैट्स व्हाई इन 19th सेंचुरी रमफोर्ड एंड जूल्स, ओके रमफोर्ड एंड जूल्स स्टडी ए रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क. ओके, एंड एज पर देयर रिलेशन द अमाउंट ऑफ हीट इट कैन बी मेजर्ड और कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमाउंट ऑफ वर्क. आम जी भी हीट देखुचे से हीट को आम कौन पे कन्वर्ट कर पारिबा ना वर्क आम कन्वर्ट कर पारिबा. ओके, सो लेट्स टेक द स्टेटमेंट ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ओके, सो it is the branch of physics which deals with the study of heat, temperature and conversion of heat into mechanical work. Conversion of heat into mechanical work and vice versa. Vice versa means it's opposite. That means work into heat. Okay? कहीं ना जितना मैं हैंड को हम फ्रिक्शन करुचे बा हैंड को हम इतना रब करुचे से मैं गोटे प्रॉपर्टी पे ऑब्जर्व करुचे जे दुटा हैंड रो किसी वर्क डन पर हाथ रो कौन हो ना गरम हो जाऊँ किसी वार्मथ फिल करुचे जेहेतु ये वार्मथ फिल होगा किसी हीट प्रोड्यूस होने कौचे वर्क डन आसे हीट प्रोड्यूस हम. ओके, सो दिस वाज फर्स्ट स्टडीड इन 19th सेंचुरी बाय रमफोर्ड एंड जूल्स. ओके, सो द टोटल अमाउंट ऑफ हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क. ओके, सो व्हेन वी टेक द स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी मेनली हैव टू टेक ए थर्मोडायनामिक सिस्टम.
ओके जोटा हिट आउ वर्क आम कनवर्ट करवा हिट एनर्जी वर्कडन जो मेजरमेंट काढ़ मेजरमेंट पे कौन दरकार ना गोटे थर्मोडायनामिक सिस्टम दरकार ओके जो थर्मोडायनामिक सिस्टम जो आम कनसीडर करूचे से थर्मोडायनामिक सिस्टम कौन ना दैट मस्ट बी ए माक्रोस्कोपिक सिस्टम व्हाट डू यू मीन बाय ए माक्रोस्कोपिक सिस्टम आम जो थर्मोडायनामिक सिस्टम गोटे ऑब्जेक्ट जरा स्टडी करवा से ऑब्जेक्ट जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थी से गोटे पार्टिकल नुहे कि दुईटा पार्टिकल नुहे इट मस्ट बी कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओके लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लार्ज नंबर ऑफ एटम्स ओके लार्ज नंबर ऑफ एंटिटीज जेकोसी आम गोटे लार्ज क्वांटिटी को जो कनसीडर करूचे से कहे कौन ना माक्रोस्कोपिक सिस्टम तमें जो थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करवा सो वी हैव टू डील विथ ए माक्रोस्कोपिक सिस्टम माक्रोस्कोपिक सिस्टम व्हाट डू यू मीन बाय ए माक्रोस्कोपिक सिस्टम मीन्स इट मेनली कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओके तल जदि मोर पार्टिकल्स लार्ज नंबर अच्छी तल सेते बेले हमें थर्मोडायनामिक्स लॉ को हमें अप्लाई करि परबा बा थर्मोडायनामिक्स को स्टडी कर तल जो सिस्टम नबा से गोटे पार्टिकल नुहे कि दुईटा पार्टिकल नुहे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स वी कैन से एन और मोर देन एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओके सो दैट वी हैव टू डील विथ ए माक्रोस्कोपिक सिस्टम दैट कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओके एंड सेकेंड थिंग व्हेन वी टेक ए माक्रोस्कोपिक सिस्टम जो आम गोटे माक्रोस्कोपिक सिस्टम जो सिस्टम रे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्जिस्ट करुच्चे से पार्टिकल्स गुड़ा मोर सिमिलर टाइप रही पारे बा डिफरेंट टाइप रही पारे जदि आम सिमिलर पार्टिकल्स आसूची बा कंपोजिशन सेम आसूची जदि पार्टिकल कंपोजिशन सेम अच्छी तेल से आम कह होमोजेनियस जदि पार्टिकल कंपोजिशन गोटे पॉइंट डिफरेंट आसूची तेल आम कह से हेटेरोजेनियस ओके सो जो आम गोटे थर्मोडायनामिक सिस्टम सहित डील करुचे तेने गोटे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंपोजिशन को आम सेम भी नहीं पार कंपोजिशन को डिफरेंट नहीं पार ओके यदि आम कहे ऑल द पार्टिकल्स हैव सेम कंपोजिशन एट ऑल पॉइंट्स then it is called homogeneous system ओके जब आम पार्टिकुलर जो पॉइंट्स गुड़ाक कनसीडर करुचु जब पार्टिकुलर पोजिशन पार्टिकुलर जो कंपोजिशन डिफरेंट पॉइंट रे जब आम सेम मेजर करुचे ओके जब आम सेम मेजर करुचे तम से कह दैट इज द होमोजेनियस सिस्टम जब आम पार्टिकुलर जो कंपोजिशन ऑल पॉइंट रे डिफरेंट टाइप रे हमें कंसीडर करिया देन दैट इज कॉल्ड ए हेटेरोजेनियस सिस्टम ओके सो इफ यू से ऑल द पार्टिकल्स हैव डिफरेंट कंपोजिशन एट ऑल पॉइंट्स ओके जब हमें डिफरेंट पॉइंट कौनसी पॉइंट रे मेजर करवा जब पार्टिकल कंपोजिशन डिफरेंट आसूची देन दैट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस सिस्टम ओके सो इट तुम्हें आउ थे रीअरेंज कर स्टेटमेंट को हेटेरोजेनियस If the particles have different composition at all the points then it is called हेटेरोजेनियस सिस्टम बुझेगा पिले तेल आम सिस्टम क्या सहित डील करवा गोटे माक्रोस्कोपिक सिस्टम सहित
जो तुम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम सहित डील करूचे सो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम रे मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहिबो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहिबो जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स रे सेम कंपोजिशन हो पारे डिफरेंट कंपोजिशन हो पारे यदि सेम कंपोजिशन आसुचे दैट इज होमोजेनियस यदि डिफरेंट कंपोजिशन आसुचे ताको एज हेटेरोजेनियस सिस्टम डिफरेंट कंपोजिशन माने डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल जदि हम कंसीडर करचे दैट विल गिव ए हेटेरोजेनियस सिस्टम ओके देन कम टू द थर्मोडायनामिक सिस्टम आम तो थर्मोडायनामिक सिस्टम तो पीले थर्मोडायनामिक सिस्टम पे मेनली कौन रिक्वायर करले ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स केते नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहिबो ना लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स देन जेतबे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पिले रहूची एटे हमें कौन कौन मेनली स्टडी करबा सेटा ऊपर एम्फसिस दबा जो हमें कहे थर्मोडायनामिक सिस्टम जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स अच्छी से लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल कौन कौन हमें मेजर करने चाहूँ किसी इंटेंसिव वेरिएबल मेजर करवा किसी एक्सटेंसिव वेरिएबल मेजर करवा ओके डिस्कस करवा इंटेंसिव वेरिएबल कौन एक्सटेंसिव वेरिएबल कौन गोटे थर्मोडायनामिक सिस्टम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स रो सिस्टम को कंसीडर करूचु तेल से सिस्टम रे कौन आम मेजर करने को चाहूचे ना टेम्परेचर मेजर करवा प्रेसर मेजर करवा वॉल्यूम मेजर करवा इंटरनल एनर्जी हो पारे एंट्रोपी हो पारे एंथाल्पी हो पारे ओके ये क्वांटिटी गुड़ाक आम मेनली मेजर करें जो आम सिस्टम कनसीडर करूचे से सिस्टम रे टेम्परेचर के सेटा को मेजर कर पार जो सिस्टम कनसीडर करे तार वॉल्यूम के वॉल्यूम सिस्टम रो वॉल्यूम के आसूची थर्ड थिंग्स आम कौन मेजर करवा जो सिस्टम बा पार्टिकल्स गुड़ा कनसीडर करे पार्टिकल प्रेसर के एक्जिस्ट करके बाकी इंटरनाल एनर्जी केजिस्ट करुच्चर एंट्रोपी केजिस्ट करुच्चर एंथाल्पी केजिस्ट करुच्चा मेनली आम स्टडी करें सो लेट्स नो व्हाट इज ए थर्मोडायनामिक सिस्टम ओके सो ए थर्मोडायनामिक सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स In which we have to study the variation of temperature suppose temperature ko nahi T प्रेशर दैट इज पी वॉल्यूम वी ओके इंटरनल एनर्जी यू ओके एक्सेट्रा ओके तले गोटे थर्मोडायनामिक सिस्टम रे पिला में कौन मेजर करने चाहूचे ना थर्मोडायनामिक सिस्टम रो टेम्परेचर स्टडी कर पारिबा वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी प्रेशर एंट्रोपी एंथाल्पी सब क्वांटिटी ऊपर हम मेजर करने चाहूचे ओके जो थर्मोडायनामिक सिस्टम पिला में कहूचे जो थर्मोडायनामिक सिस्टम जो आउटसाइड को आम आसूचे मन कर गोटे बक्स को तुम कनसीडर कर गोटे कंटेनर कनसीडर कर जो कंटेनर रे किसी गैस मलिकुल्स अच्छी फॉर एग्जांपल तुम नहीं पारे तुम घरे जो सिलिंडर टा यूज से सिलिंडर टा गोटे थर्मोडायनामिक सिस्टम कहीं से सिलिंडर गोटे सर्टेन बाउंडरी अच्छी जो बाउंडरी रीजन भितर किसी मॉलिक्यूल्स अच्छे जो कहे गैस मॉलिक्यूल सो से आम नहीं पारे गोटे बेस्ट एग्जांपल गोटे थर्मोडायनामिक सिस्टम जो थर्मोडायनामिक सिस्टम गैस सर्टेन प्रेशर अच्छी गैस सर्टेन वॉल्यूम अच्छी ओके आउ गैस सर्टेन टेम्परेचर भी एक्जिस्ट करुचे सो घर यूज करता गोटे सिलिंडर टा गोटे बेस्ट एक्जामपल आम नहीं पारे थर्मोडायनामिक सिस्टम थर्मोडायनामिक सिस्टम जदि आउटसाइड को आसवा जब थर्मोडायनामिक सिस्टम आउटसाइड को मेजर करवा से आम कहे दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग ओके थर्मोडायनामिक सिस्टम जितकी बाहर रहा एक्सेप्ट थर्मोडायनामिक सिस्टम और आउटसाइड थर्मोडायनामिक सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग थर्मोडायनामिक सिस्टम बाहर जितकी भी रीजन रोचे से रीजन टाक आम कहे सराउंडिंग बुझेगा पिले जब आम मेजर करवा ये गोटे थर्मोमीटर सिस्टम गोटे ड्र करवा
मनकर यहाँ मोर थर्मोडायनामिक सिस्टम कह जहाँ भितर कि मोर किसी गैस मॉलिक्यूल्स बा किसी वर्किंग सब्सटेंस अच्छे ओके जो वर्किंग सब्सटेंस की मोर गोटे सर्टेन रीजन बाउंडरी द्वारा कवर है ओके सो थर्मोडायनामिक सिस्टम मस्ट हैव अ डेफिनेट बाउंडरी जितने आम गोटे थर्मोडायनामिक सिस्टम नौचे पहले थर्मोडायनामिक सिस्टम कौन रहा दरकार ना सर्टेन बाउंडरी रहा दरकार ये टर्म गुड़ाक आम कौन कहे ना दैट इज द बाउंडरी टर्म बाउंडरी रीजन ऑफ ए थर्मोडायनामिक सिस्टम जो थर्मोडायनामिक सिस्टम रे पिले सपोज आम ये इमाजिन करवा यार टेम्परेचर अच्छी टी वॉल्यूम के वी प्रेशर के पिले पी इंटरनल एनर्जी अच्छी यू ये टाइप में डिफरेंट क्वांटिटी को थर्मोडायनामिक सिस्टम रे रखीसे जो आम आउटसाइड थर्मोडायनामिक सिस्टम पिले देख एगुटा रीजन गुड़ा आम कहे आउटसाइड थर्मोडायनामिक सिस्टम आउटसाइड द थर्मोडायनामिक सिस्टम इट इज कॉल्ड सराउंडिंग ओके सो सराउंडिंग इज ए रीजन दैट ऑलवेज लाइज आउटसाइड द सिस्टम ओके एंड सराउंडिंग रे इंपोर्टेंस पिले कौन आसुची ना ऑलवेज विथ द सराउंडिंग ए सिस्टम एक्सचेंज पार्टिकल्स ओके एनर्जी हीट टेम्परेचर ओके तो मैंने गोटे सराउंडिंग सहित गोटे थर्मोडायनामिक सिस्टम पिले कौन एक्सचेंज करे ना सिस्टम आ सराउंडिंग भितर किछ हमर एक्सचेंज प्रॉपर्टी आसे जो एक्सचेंज को हमें कहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी से एक्सचेंज कर पारे ओके पार्टिकल एक्सचेंज हो पारे एनर्जी रे एक्सचेंज हो पारे ओके सो सराउंडिंग सहित गोटे सिस्टम रो ऑलवेज कौन हुए ना एक्सचेंज आसे कहार ना पार्टिकल्स रो आउ एनर्जी रो ओके सो वी कैन से व्हाट इज ए थर्मोडायनामिक सिस्टम सो लेट्स नो व्हाट इज सराउंडिंग ओके सो ए सराउंडिंग इज ए रीजन दैट आउटसाइड ए थर्मोडायनामिक सिस्टम सो एनीथिंग आउटसाइड ए थर्मोडायनामिक सिस्टम सो राइट हियर एनीथिंग आउटसाइड ए थर्मोडायनामिक सिस्टम एनीथिंग आउटसाइड ए थर्मोडायनामिक सिस्टम is called surrounding is called surrounding okay with which a thermodynamic system with which a system can exchange with which a system can exchange particles and energy तले सराउंडिंग सहित गोटे सिस्टम कौन एक्सचेंज करे ना पार्टिकल्स एक्सचेंज करे आउ ता सहित किसी एनर्जी एक्सचेंज करे ओके सो वी मेनली डिवाइड ए थर्मोडायनामिक सिस्टम इनटू थ्री डिफरेंट कैटेगोरीज गोटे थर्मोडायनामिक सिस्टम को आम तीन टा कैटेगोरी डिवाइड करूचे गोटे है ओपन सिस्टम गोटे आम कहे क्लोज सिस्टम आउ गोटे कहे आइसोलेटेड सिस्टम ओके तले गोटे थर्मोडायनामिक सिस्टम को जो डिवाइड करूचे डिपेंडिंग अपन देयर प्रॉपर्टीज बिहेवियर और एक्सचेंज विथ सराउंडिंग ये जो तीन टा को आम डिवाइड करे कैटेगोरी को ये कौन आसे कौ बेसीस डिवाइड करे गोटे थर्मोडायनामिक सिस्टम आउ सराउंडिंग डिपेंडेंस बेसीस थर्मोडायनामिक सिस्टम को कैटेगोरी करूचे ओपन सिस्टम हो बा क्लोज सिस्टम हो बा आइसोलेटेड सिस्टम हो ताको हमें डिवाइड करूचे डिपेंडिंग अपन देयर बिहेवियर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग सिस्टम ऑफ सराउंडिंग रो जो प्रॉपर्टी बा बिहेवियर को स्टडी करके हमें सिस्टम को डिवाइड करूचे फॉर एग्जांपल हमें कौन करवा ना थर्मोडायनामिक सिस्टम रो जो डिफरेंट थ्री कैटेगरीज कहले गोटे ओपन सिस्टम गोटे क्लोज सिस्टम आ गोटे कौन कहले बिले ना आइसोलेटेड सिस्टम फर्स्ट बुझे तीन टा सिस्टम कौन आसुच्छे फर्स्ट सिस्टम है कहले कौन पिले ना ओपन सिस्टम
ओपन सिस्टम. ओके, इन केस ऑफ ओपन सिस्टम इफ वी ऑब्जर्व ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम देन व्हाट वी फाइंड. इन केस ऑफ ओपन सिस्टम देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स एंड एनर्जी विथ द सराउंडिंग. जदि गोटे थर्मोडायनेमिक सिस्टम तार पार्टिकल्स आउ तार जो एनर्जी एक्सचेंज करुचे कहा सहित ना सराउंडिंग सहित. सपोज पे टाइप रे थर्मोडायनेमिक सिस्टम एस्यूम करुचे सपोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम रे किसी वाटर मॉलिक्यूल्स अच्छे किसी वाटर आम नहींचे. ओके, जदि वाटर मॉलिक्यूल को आम कौन करवा ना किसी हीट प्रोवाइड करवा. देख पिले वाटर मॉलिक्यूल को जदि मुझे किसी हीट प्रोवाइड करुच्ची तेल कौन आसब. जदि आम गोटे थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो सिस्टम आम नहींचे कौन ना किसी लिक्विड नहींचे. थर्मोडायनेमिक सिस्टम रे कौन नहींचे ना किसी लिक्विड नहींचे. यहाँ आम कहे कौन ना सपोज ये जो वॉल्ट एक्जिस्ट करुचे बा थर्मोडायनेमिक सिस्टम रे जो वॉल एक्जिस्ट करुचे सपोज से कंडक्टिंग वॉल अच्छे. कंडक्टिंग वॉल माने बोले कौन ना से हीट को एक्सचेंज कर पारिबो एनर्जी को एक्सचेंज कर पारिबो. जो वॉल थ्रो रे से हीट बा एनर्जी को एक्सचेंज कर पारिबो सेटा कहे कंडक्टिंग वॉल. ओके, तुम जो कंडक्टिंग तुम गोटे बाउल बसौच बा गोटे पात्र बसई कि पानी गरम करो जो स्टील बा सिल्वर आम यूज करे दैट इज ए वन टाइप ऑफ कंडक्टिंग वॉल. तुम जो वॉल थ्रो रे हीट बा एनर्जी एक्सचेंज हो पारिबो सेटा कहे गोटे कंडक्टिंग वॉल. देख पे जो आम थर्मोडायनेमिक सिस्टम गोटे कंसीडर करे जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम रे आम किसी लिक्विड्स कंसीडर करे मन कर पे लिक्विड को कौन देली ना किसी अमाउंट हीट देली. जदि लिक्विड को आम किसी अमाउंट हीट दौचे तेल ये कौन एक्सचेंज आसो ना वेपर मॉलिक्यूल एक्सचेंज आसो. देख पे वेपर मॉलिक्यूल एक्सचेंज आसो तमें हिटा जो तुम बॉइलिंग स्टेट को आसो. बॉइलिंग स्टेट रे जो वाटर जो वेपर गुड़ाक अच्छी से सराउंडिंग को मूवमेंट करेंगे. ओके, तमें जो तुम हिट प्रोवाइड कल तेल सिस्टम रो वाटर मॉलिक्यूल्स अच्छी इन फॉर्म ऑफ वेपर दे मूव टू सराउंडिंग. देख पे आउटसाइड सिस्टम कौन कहली ना दैट इज सराउंडिंग. तेल देख ओपन सिस्टम केस रे मोर कौन एक्सचेंज आसला ना पार्टिकल रो एक्सचेंज आसला. पार्टिकल रो एक्सचेंज आसला. सेकेंड थिंग देख जो तुम हिट प्रोवाइड कर एनर्जी लॉस है जो कोटी को ना सराउंडिंग को भी किसी एनर्जी लॉस है. देख पे एरो मार्क हीट प्रोवाइड करछि टुवर्ड्स द सिस्टम एनर्जी कौन पाइली आउटसाइड द सिस्टम. आउटसाइड द सिस्टम को किसी अमाउंट रे एनर्जी मोर फ्लो होते सिस्टम को आम हीट करुचे सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन हुए ना आउटसाइड सिस्टम को फ्लो हो जाए. तेनालीरें ओपन सिस्टम केस रे कौन कौन एक्सचेंज आसला पार्टिकल्स रे एक्सचेंज आसला. पार्टिकल रो एक्सचेंज आसला आउ एनर्जी रो भी एक्सचेंज आसला. ओके, दिज आर द लिक्विड वेपर्स. दिज आर द लिक्विड वेपर्स. सो ओपन सिस्टम वी कैन से इफ ए सिस्टम इज सेट टू बी ओपन इफ कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर. तुम देख पे पार्टिकल को भी एक्सचेंज करुच्छे एनर्जी को भी एक्सचेंज करुच्छे. जेहेतु पार्टिकल आउ एनर्जी को एक्सचेंज करुच्छे तुम मन आसुथो सर पिले सर ये एनर्जी केमती एक्सचेंज है ये एनर्जी केमी एक्सचेंज है. मनेकर तुम हीट को प्रोवाइड हीट सप्लाई को बंद कर दियो. हीट सप्लाई को बंद कर दियो. वाटर जो वार्म थी वाटर जितकी भी एनर्जी थी देख पे कि समय पर कौन हो से वाटर कूलिंग स्टेट को आसीज. जो वाटरटा मोर थी हॉट वाटर थी जो तुम वन आवर कि टू आवर कि थ्री आवर छाड़देव सेमती तुम से किसी समय पर देख पे कूल हो नॉर्मल टेम्परेचर को आसीज. नॉर्मल टेम्परेचर को आसीगला ता माने कौन ना तार किसी एनर्जी से सराउंडिंग को प्रोवाइड करदेला. गोटे आयरन रॉड तुम हीट करके बाहर रखिदि देख कि समय पर कौन हो से कूल हो कहीं तार जो हॉट एनर्जी एनर्जीटा थी से एनर्जीटा सराउंडिंग को रेडिएट हो गला. जेहतु एनर्जी से सराउंडिंग को रेडिएट कर दूची तुम गोटे ओपन सिस्टम केस रे तमने एनर्जी आउ पार्टिकल्स दुईटा जाक एक्सचेंज आसवे बुझीगला पे. तो स्टेटमेंट कौन लिखिपर स्टेटमेंट कौन लिखिपर ना ए सिस्टम इज सेट टू बी
इज सेट टू बी ओपन। गोटे सिस्टम को केते बेले हम ओपन सिस्टम कहिबा, ओपन सिस्टम सिस्टम इज सेट टू बी ओपन सिस्टम इफ इफ इट एक्सचेंज इफ इट एक्सचेंज बोथ पार्टिकल्स इफ इट एक्सचेंज बोथ पार्टिकल्स एंड एनर्जी इफ इट एक्सचेंज बोथ पार्टिकल्स एंड एनर्जी विथ सराउंडिंग। तले सराउंडिंग सहित से कौन कौन एक्सचेंज कर, पार्टिकल रो भी एक्सचेंज कर, एनर्जी रो भी एक्सचेंज कर। ओके ओके बुझेला पिले, जदि गोटे सिस्टम सराउंडिंग सहित बहुत पार्टिकल आउ एनर्जी रे एक्सचेंज करुच्छे तम से कहीपर दैट इज ओपन सिस्टम। बुझेला पिले, जब वाटर को तुम हिट कल लिक्विड वेपर्स आउटसाइड सिस्टम को मूवमेंट कला, एनर्जी भी सराउंडिंग के मूवमेंट कला, जदि पार्टिकल्स एनर्जी एक्सचेंज आसुच्छे देन दैट इज कल्ड ओपन सिस्टम। बुझेला, सेकेंड आसवा कौन ना क्लोज सिस्टम, नंबर टू को आस पे क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। ओके देख पे से सेम टाइप रो सब्सटेंस को हमें कंसीडर करिबा, सेम टाइप रो सिस्टम को मन कर एक्सचेंज कंसीडर करिबा, से वाटर बाउल आउ हीट रो कांसेप्ट को ही कंसीडर करिबा। किंतु एटी कौन आसीबो पिले, जो वाटर बाउलटा अच्छी मन कर तार जो ओपनिंग पॉइंट अच्छी से ओपनिंग पॉइंट रे गोटे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मतलब जो ओपनिंग पॉइंट अच्छे से ओपन पॉइंट क्लोज कर दियो। ओके जो ओपनिंग पॉइंट थिला से ओपन पॉइंट कौन कर दिला कवर कर देले। ओके जब कवर कर दो ओपन पॉइंट को देख पिले, ताहले जब तुम हीट प्रोवाइड करिवो, जदि एटी मु प्रोवाइड करिवि हीट, जब हमें हीट प्रोवाइड करवा तेल वाटर जो एनर्जीटा वाटर एनर्जी राइज हे, वाटर एनर्जी राइज हेले टेम्परेचर राइज हेले से कौन हम ना वेपर रे कन्वर्ट हे। जेत आम ओपन पाथटा को क्लोज कर देचे, जो ओपन पाथ थिला से ओपन पाथटा को जदि आम क्लोज करदे तेल से वेपर गुड़ाक आ सराउंडिंग मूवमेंट कर पारे कि, जो ओपन पाथ को जब आम क्लोज करदे गोटे कर्क दे कि क्लोज करदे तेल जो वेपर गुड़ाक अच्छी वेपर गुड़ा कौटिक फ्लो हो पार्वनी ना से सराउंडिंग को फ्लो हो पार्ना। जदि वेपर सराउंडिंग को फ्लो न हो मैंने कौन एक्सचेंज आसला, कौन एक्सचेंज आसला, जदि मुझे ये गोटे कंडक्टिंग वॉल नहीं जाऊँ, कंडक्टिंग वॉल। ओके कंडक्टिंग वॉल जदि नहीं जाऊे तो मैंने से केस रे पिले कौन एक्सचेंज आसो ओनली ना एनर्जी रे एक्सचेंज है। देख पिले कहार एक्सचेंज आसला, ओनली एनर्जी रे एक्सचेंज आसला बट पार्टिकुलर एक्सचेंज पॉसिबल हलानी, कहीं पॉसिबल हलानी ना तार ओपन पाथटा को आम क्लोज कर दे गोटे कर्क हेल्प रे, जो कर्क थ्रो रे मोर कौन से पार्टिकल मूवमेंट कर पार्बना। जदि गोटे पार्टिकल बा गोटे सिस्टम, जदि गोटे सिस्टम रो केवल एनर्जी एक्सचेंज आसुची सराउंडिंग सहित, देख पे कौन एक्सचेंज है ना ओनली एनर्जी। जदि गोटे सिस्टम बा गोटे थर्मोडायनामिक सिस्टम सराउंडिंग सहित ओनली एनर्जी रो एक्सचेंज करुची बट पार्टिकल्स रो एक्सचेंज पॉसिबल होनी, पार्टिकल एक्सचेंज आसबनी। जदि केवल एनर्जी एक्सचेंज आसो ताहले से सिस्टम को आम कह क्लोज सिस्टम, तेल यहाँ आम कहीपर दैट इज ए क्लोज सिस्टम। बुझेला पिले क्लोज सिस्टम कौन, सो ए सिस्टम इज सेट टू बी क्लोज सिस्टम इफ इट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट द पार्टिकल। ओके सो हियर यू कैन राइट द डेफिनेशन, ए सिस्टम इज सेट टू बी set to be closed system, closed system if it can exchange
if it can exchange only energy with surrounding but not the particle or you can say matter exchange asiboni jodi energy ro only exchange asuchi tahale setabele kahiba that is a closed system bujhela pile open system kon closed system kon third dekhiba pile isolated system थर्ड देखिवा नंबर थ्री दैट इज आइसोलेटेड दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम थर्ड थ्री सिस्टम टाक आम कनसीडर करवा कौन ना दैट इज ए आइसोलेटेड सिस्टम आइसोलेट माने कौन करवा ना एनर्जी आ पार्टिकल दुईटा जाक आम कौन करवा ना फ्लो को जब आम अपोज करद ना पार्टिकल फ्लो हो पार ना एनर्जी भी फ्लो हो पार ओके जो वाल्टा पिले नहीं जो वाल्टा को नहीं ची मनकर से वाल्टा को इंसुलेटेड दे देली तो वाल्टा का मैं दे दबा इंसुलेटेड वाल इंसुलेटेड वाल रो प्रॉपर्टी कौन ना इंसुलेटेड वाल करे से मोर एनर्जी टा फ्लो हो पारिबो नाही एनर्जी फ्लो हो पारिबो नाही आउ तार जो टॉप पोजीशन अच्छी जो सराउंडिंग रो सॉरी सिस्टम रो जो टॉप पोजीशन अच्छी से टॉप टा को हम कवर कर दवा कोनोसी गुटे कॉर्क हेल्प रे ऊपर टा को भी हम कोन करिबा ना ब्लॉक कर देलु जो वाल टा को नहीं छे प्लेस से वाल टा को मन कर नहीं गली इंसुलेटेड वाल इंसुलेटेड वाल रो काम कोन ना से एनर्जी रो जो एक्सचेंज आसुतला बा हीट रो जो एक्सचेंज आसुतला से हीट को बा हीट एक्सचेंज को ब्लॉक कर दबो हीट एक्सचेंज को ब्लॉक करबा त माने हीट बा एनर्जी को अलाउ करबो नाही सराउंडिंग सहित एक्सचेंज होबा पाई जदी उडे सिस्टम नाइदर एक्सचेंज इट्स एनर्जी नॉर द पार्टिकल जदि गोटे सिस्टम केस रे एनर्जी एक्सचेंज आसुना कि तार पार्टिकल बा मैटर एक्सचेंज आसुना से केस रे जो सिस्टम टाक आम कहे दैट इज कॉल्ड ए आइसोलेटेड सिस्टम ओके सो ए सिस्टम इज सेट टू बी आइसोलेटेड इफ इट इज नाइदर एक्सचेंज इट्स एनर्जी नॉर इट्स पार्टिकल विथ द सराउंडिंग ओके सो ए सिस्टम इज सेड टू बी a system is said to be isolated system if it is neither exchange energy neither exchange its energy nor the particles with surrounding tal jodi gude system tar energy ki particle एक्सचेंज पाई कौन करुची ना अपोज करुची बा अलाउ करूनाही सेतेबेले से सिस्टम टाको कहिबा आइसोलेटेड सिस्टम बुझेला पिले ना बुझेलानी एबे देखिबा कौन ना गोटे थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम ओके थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम टा डिफरेंट या टू डिफरेंट थर्मोडायनामिक सिस्टम टू गोटे थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम कौन आसिबो ना थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम पाई हमको कौन करिया पड़िबो ना दुईटा सिस्टम कंसीडर करिबा जो सिस्टम रा टेम्परेचर डिफरेंट थिबो जदे हम दुईटा सिस्टम रो टेम्परेचर डिफरेंट अछि एंड वी आर टेकिंग थर्मल कांटेक्ट टू ईच अदर जदि समान सहित हम गोटे थर्मल कांटेक्ट नहीं के आसीबा तल से कौन हबो ना पिले हाई टेम्परेचर रु लो टेम्परेचर को हीट फ्लो हबो ओके टेम्परेचर जो फ्लो आसीबो हाई टेम्परेचर रीजन रु लो टेम्परेचर रीजन को फ्लो आसीबो जदि मो टेम्परेचर हाई रीजन रु लो रीजन को फ्लो होउची आफ्टर सम टाइम जो टेम्परेचर दुईटा जाक बॉडी रो सेम आसीबो
जदि दुईटा जाक बॉडी रो टेम्परेचर सेम आसुची देन दे आर सेट टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके थर्मल इक्विलिब्रियम कौन ना इफ टू बॉडीज और टू सिस्टम्स आर टेकन इन कंटैक्ट देन दे मस्ट हैव द सेम टेम्परेचर दे मस्ट हैव द सेम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन। हाई टेम्परेचर रीजन रु लो टेम्परेचर रीजन को जो फ्लो आसो टेम्परेचर जहाँपाई कि कौन हम ना दुईटा जाक सिस्टम टेम्परेचर सेम आसीज। ओके दैट स्टेट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट। सो थर्मल इक्विलिब्रियम कौन थर्मल इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके सो ए थर्मल इक्विलिब्रियम में बी स्टेटेड एज टू बॉडीज और टू सिस्टम व्हेन आर टेकन इन कॉन्टैक्ट देन थर्मल इक्विलिब्रियम एराइजेस बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हाई रीजन टू लो रीजन। ओके टू सिस्टम्स और बॉडीज when contact to each other then transfer of temperature takes place from a body of high temperature to a body of low temperature to a body of low temperature to become a same temperature region is called thermal equilibrium। से स्टेट कौन कहवा पे ना थर्मल इक्विलिब्रियम ता मान जदि दुटा बॉडी रो टेम्परेचर सेम आसुची सेत आम कौन कहीपर दुटा जाक बॉडी मोर कौ टाइप अच्छी ना थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट रे एक्जिस्ट करुच्छे बुझीगला। तो ये जो प्रॉपर्टी को लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी को लेकिन फर्स्ट आम गोटे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टडी करवा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टडी करवा। देख पे आम कहले इफ टू बॉडीज आर इन कंटैक्ट टू ईच अदर हैविंग द डिफरेंट टेम्परेचर। ओके इफ ए बॉडी हैज हाई टेम्परेचर एंड अनदर बॉडी हैज लो टेम्परेचर एंड व्हेन दे आर मेक इन कंटैक्ट देन ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर बा ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन। ओके सो ट्रांसफर ऑफ हियर वी कैन से ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम ए बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टू ए बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर अंटिल बोथ द बॉडी बिकम्स इक्वल टेम्परेचर। केते जाए पिले हीट रो एक्सचेंज आसीबो जेते जाए दुईटा जाक बॉडी रो जो टेम्परेचर अछि सेम न अछि तल जते बले दुईटा जाक बॉडी रो टेम्परेचर सेम आसीजिबो सेई स्टेट टाको कह जाए थर्मल इक्विलिब्रियम बुझीगला पिले। ये कनसेप्ट को लेकिन कौन अच्छी ना गोटे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें स्टडी करवा। ओके
ओके देख पहले जीरोथ्लो ऑफ थर्मोडायनामिक्स को जीवा पूर्व आम कौन करवा आउ किसी प्रॉपर्टी अच्छी थर्मोडायनामिक्स जो प्रॉपर्टी को आम कौन करवा जो इक्विलिब्रियम स्टेट कहले थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट कहले से थर्मल इक्विलिब्रियम को लेकिन दुई चार टाइप्स आम डिस्कसन करवापर तर आस जीरोथ्लो ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ओके सो थर्मल इक्विलिब्रियम कौन कहले ना थर्मल इक्विलिब्रियम केस रे गोटे बॉडी दुईटा जाक बॉडी टेम्परेचर आसो सेम ओके आउ जदि आम टाइप सिस्टम नवा मन कर दुईटा जाक बॉडी रो एक्सचेंज जो आसीबो बिले एठी कौन एक्सचेंज आसीला जो एक्सचेंज टा आसीला मोर हीट रो एक्सचेंज आसीला हीट एक्सचेंज पई सिस्टम रो टेम्परेचर रहिला सेम जदि पिले आम दुईटा बॉडी भितर पार्टिकल एक्सचेंज करिबा गोटे पाइले आम थर्मल इक्विलिब्रियम आउ गोटे देख पिले आम कहबा मेकानिकल इक्विलिब्रियम फर्स्ट लिखा केमिकल इक्विलिब्रियम कौन आसुची केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम देख पे केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स जदि आम गोटे सिस्टम रे जो पार्टिकल जो एक्सचेंज आसुची ओके जदि पार्टिकल दुईटा डिफरेंट सिस्टम्स कंसीडर करवा दुईटा सिस्टम को जब इन कंटाक्ट को आने गोटे सिस्टम रु आ गोटे सिस्टम सहित जदि पार्टिकल रो एक्सचेंज आसुची पार्टिकल रो एक्सचेंज आसुची देन दैट सिस्टम इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम जदि गोटे पार्टिकल रो केमिकल कंपोजिशन गोटे सिस्टम रो केमिकल कंपोजिशन सेम आसुची सेतबेले आम से सिस्टम को कहवा दे आर केमिकली इक्विलिब्रियम ओके सो केमिकल इक्विलिब्रियम means we can say if the composition of the system remains constant with time okay so write the definition if the composition if the composition of the systems remain constant with the time, okay, then it is called chemical equilibrium. बुझेगा पिले जदि गोटे सिस्टम रो कंपोजिशन ले किसी चेंजेस आसूना कंपोजिशन सेम अच्छी ताहले से सिस्टम को आम कह केमिकल इक्विलिब्रियम कंपोजिशन माने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट रही ओके जदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट रहुचि देन से सिस्टम को आम कहपर दैट इज ए केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट ओके देन देखा पिले मेकानिकल इक्विलिब्रियम ओके मेकानिकल इक्विलिब्रियम कौन आसुच मेकानिकल इक्विलिब्रियम मेकानिकल इक्विलिब्रियम ओके सो मेकानिकल इक्विलिब्रियम यू कैन से इफ ए सिस्टम इफ देयर इज नो मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ओके यदि सिस्टम और सराउंडिंग भितर कौन से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकुलर एक्सचेंज आसूना से आम कह दैट इज मेकानिकल इक्विलिब्रियम ओके सो इफ देयर इज नो एक्सचेंज और देयर इज नो माइक्रोस्कोपिक एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग देन दैट सिस्टम इज सेट टू बी मेकानिकल इक्विलिब्रियम ओके प्ले सो इफ देयर इज नो macroscopic movement no macroscopic movement okay so if there is no macroscopic movement between system and surrounding between system and surrounding okay so if there is no macroscopic movement between system and its surrounding then it is called mechanical equilibrium
ओके एटा तुम कहीपर मेकानिकल इक्विलिब्रियम। ए मेकानिकल इक्विलिब्रियम अदरवाइज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। मेकानिकल इक्विलिब्रियम को हमें अदरवाइज भी कहीपर गोटे आइसोलेटेड सिस्टम कहीं आइसोलेटेड केस रे हमें एनर्जी रे एक्सचेंज नहींने कि पार्टिकल रे एक्सचेंज नहींने जोटा कि हमें कहे मेकानिकल जदि गोटे पार्टिकल रो एनर्जी कि पार्टिकल रो किसी एक्सचेंज आसुनी तो सर हमें कहे आइसोलेटेड। ओके सो मेकानिकल इक्विलिब्रियम इज अल्सो ट्रीटेड एज ए आइसोलेटेड सिस्टम। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडे सेशन। सो इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लाइक एंड देयर इज अ रिलेशन ऑफ हीट एंड वर्क। ओके हीट वर्क इंटरनल एनर्जी प्रेशर टेम्परेचर ये सब पार्ट उपरे डिस्कशन करिबा। ओके पिले थैंक यू पचारिबा डाउट्स।